वो पिछड़ों के अधिकारों पर कुठाराघात करने वाला है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी विदेश की धरती पर नौजवानों के बीच में खुलेआम इस बात का ऐलान करते हैं कि वो समय आने पर पिछड़ों का आरक्षण समाप्त कर देंगे। ओबीसी मोर्चे ने और ओबीसी समाज के लोगों ने राहुल गांधी के आरक्षण समाप्त करने के इरादे का सख्त शब्दों में प्रतिकार किया है। मैं आज लखनऊ की धरती से राहुल गांधी के इस बयान की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और उनको ये आगाह भी करना चाहता हूं कि अब देश में आपकी दादागिरी चलने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा देश में जितने भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन नेहरू गांधी से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सभी ने रिजर्वेशन की मुखालफत की, लेकिन वर्तमान देश, वर्तमान भारत, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति के पथ पे आगे बढ़ा है। तो पिछड़ों को भी देश की मुख्य धारा से जुड़ने का सौभाग्य मिल रहा है। राहुल गांधी को शायद पिछड़ों का आगे बढ़ना पसंद नहीं है, इसलिए विदेश की धरती पर वो हमारे आरक्षण को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। मैं ओबीसी मोर्चे के माध्यम से राहुल गांधी जी को और कांग्रेसियों को बताना चाहता हूं कि जो हाथ पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करने के लिए उठेंगे, उत्तर प्रदेश के पिछड़े उन हाथों को तोड़ने में परहेज नहीं करेंगे। हम जवाब देंगे और किसी भी कीमत पर हम आरक्षण के खिलाफ कोई आवाज कांग्रेस की नहीं उठने देंगे। इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश में एक व्यापक आंदोलन की घोषणा आज आपके माध्यम से हम कर रहे हैं। 26 सितंबर को उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर पर जो गाजियाबाद से प्रारंभ होता है, हम हजारों हजारों ओबीसी समाज के लोग संगठित होकर राजीव गांधी के घर तक रोस मार्च करेंगे, राहुल गांधी के घर का घेराव करेंगे और उनको बताएंगे कि पिछड़ों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने का हस्त्र क्या होता है। आंदोलन की शुरुआत हम 20 तारीख से पूरे प्रदेश में करने वाले हैं, उसकी तिथिवार सूचना मैं आपको आपको उपलब्ध करा दूंगा। इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में पूरी तैयारी के साथ धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के सभी 17 महानगरों में हमने व्यापक स्तर पर रोस मार्च निकाल के विरोध करने की योजना बनाई है और हम पूरे प्रदेश में पिछड़े समाज के लोगों को जागृत करके आंदोलन के रुख को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए किसी भी सूरत में पिछड़ों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ ना होने देने का संकल्प लिया है, जिसकी सूचना देने के लिए आज सादर आपको आमंत्रित किया गया। आंदोलन की पूरी रूपरेखा आपको उपलब्ध हो जाएगी। कोई सवाल और जिज्ञासा आपका होगा तो उसका मैं उत्तर दे दूंगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 5 से 6 दिन हो गया है, 6 दिन पहले करीब ये बयान जो है राहुल गांधी ने दिया था और उसके बाद अब भाजपा के द्वारा इस पर आवाज उठाई जा रही है, विरोध प्रदर्शन करने की बात की जा रही है। क्या लगता है, क्या लगता नहीं है कि समय ज्यादा हो गया, कि समय ज्यादा होने के बाद अब
नहीं नहीं नहीं, जिस दिन से हम लोगों के संज्ञान में आया, अनेकों अनेकों माध्यम से हमारे ओबीसी मोर्चे के लोगों ने, जैसे कल हमने पूरे उत्तर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात जनता के बीच में ले जाकर राहुल गांधी जी के विरोध का बिगल फूका। आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश से लेकर मंडल स्तर तक के पदाधिकारी सोशल मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी के विचारों का विरोध कर रहे हैं, और उससे पहले भी कई माध्यम से हमने उनके विरोध प्रदर्शन को प्रदर्शित किया है। लेकिन चूंकि हमें उत्तर प्रदेश के तमाम पिछड़ों को, क्योंकि जो फीडबैक है, जो ओबीसी समाज के लोगों से निरंतर संवाद और संपर्क हो रहा है, सब चाहते हैं कि हम ओबीसी मोर्चे के इस आंदोलन में सम्मिलित हों, तो पूरी तैयारी से व्यापकता के साथ एक सफलता के साथ हम आंदोलन कर सकें, इसके लिए तैयारी का समय कुछ चाहिए था, वो हमने लिया। इस पर हमारी पार्टी की ओर से, आपके संज्ञान में है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सभी लोकसभा की सीटों पर समीक्षा की। मैं उत्तर दे उसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर दूंगा, मैं उसी पे उत्तर दे रहा हूं। सभी लोकसभा की सीटों की समीक्षा की, और भारतीय जनता पार्टी को निस्संदेह अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। उसमें हमको ये लगा कि जो कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों का षड्यंत्र था, प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगा के भारतीय जनता पार्टी या एनडीए संविधान बदलना चाहती है, आरक्षण समाप्त करना चाहती है, उनके षड्यंत्र के खिलाफ हम लोगों ने प्रयास किया था पिछले समाज के लोगों में जागरूकता पैदा करने की, लेकिन शायद हम उतने प्रभावी तरीके से नहीं कर पाए जिसको हम लोगों ने महसूस किया। और जब से लोकसभा के चुनाव का परिणाम आया है, हम लगातार ओबीसी समाज के लोगों में उस षड्यंत्र का पर्दाफाश कर रहे हैं, और लोग अब इस बात को समझ गए हैं कि सच्चाई राहुल गांधी जी की, अखिलेश यादव जी की, कांग्रेस मानसिकता की सामने आ गई है। कि ये मोदी जी पे आरोप लगाते जरूर हैं, लेकिन आरक्षण का विरोधी ये खुद हैं, इसलिए लोगों के समझ में अब सब आ गया है। मोर्चा और हमारी पार्टी ने उस सच्चाई को धरातल पर लाया है, जिसका असर आने वाले 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में देखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद।